आप कहते जाओ आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में। किसी भी एक वायदा, किसी भी एक प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। आप जो अपने आप का तारीफ करते हो, हर चीज में देश का मान मर्यादा खत्म होते जा रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। मैं इसीलिए सबसे हमेशा कहते आ रहा हूं और आगे कहेंगे भी कि राजनीतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई परमानेंट नहीं है। मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री बने, तो जनता जिसको मौका देता है सेवा करने का, करके अपने रोल निभा के चले जाते हैं। मोदी जी मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। क्या चला रहे हैं आप, देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार का नीतियां अपनाया जा रहा है, हर हालत से हिंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान, उद्योगपति परेशान, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है एसेंशियल कमोडिटीज का। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का गुणवत्ता क्या है, क्या नतीजा मिला है इस देश को? ग्रास मिसयूज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ग्रास मिसयूज दिन ब दिन देखने को मिलता है इस देश में। आप हावी है, आप प्रहार कर रहे हैं, जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है, लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त हैं। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, ये आपके रिकॉर्ड में है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? किसी भी तरफ देखो, बेहाल हिंदुस्तान। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से, सिवाय आपके भाषणबाजी के, सिवाय आपके झूठे प्रचार के, आपके अखबारी विज्ञापन से? कौन खुश है? हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, भाइयों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी 15वां प्रधानमंत्री है इस देश का, इज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनसे पहले 14 प्रधानमंत्री और बने थे। किसी के कालखंड में भी, किसी के भी कालखंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालखंड में गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नारा है भाषण शुरू करने से पहले भारत माता की जय, अगर आपके नारा में सही दम है, आपके रगों में बहता हुआ खून में एक बूंद में भी ईमानदारी है, सच्चाई है, तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जनांदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है?
आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे आप, देश का अपमान किए। नतीजा, श्रीलंका का जनता टूट पड़ी है श्रीलंका के रोडों पे। यह शोभा देता है हमारे देश को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सर झुकाना पड़ रहा है आपके कारनामों के वजह से, क्या यह सच नहीं है? आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गला फाड़ फाड़ के बड़े ऊंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुप्पी साधे हुए है श्रीलंका के मामले में? कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे इस बात में? क्यों चुप्पी साधे हुए हो? क्या वजह है इसके? और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? श्रीलंका पार्लियामेंट कमेटी के सामने श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बयान दिया दुनिया के सामने खुलेआम कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के कारण हमने यह कॉन्ट्रैक्ट किसी हिंदुस्तानी व्यापारी को दिया। क्या देश का इज्जत बढ़ाएगा? किसी भी आपसे पहले आए हुए बने हुए किसी भी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ऐसे आरोप भारत पर नहीं लगे। भले ही आप खामोश हो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जरूर लड़ते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पॉलिसीज है, जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही पॉलिसीज जो है, जिस प्रकार का जुल्म सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेंगे। पॉलिसीज पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही भारत के जनता को उत्तर दीजिए, बताइए साफ साफ क्या हुआ श्रीलंका में, यह हम आपसे पूछ रहे हैं। वरना हम आपको दोषी मानेंगे, बिल्कुल दोष देंगे आपको। आपका और एक नारा था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, मेक इन इंडिया। मैं पूछ रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ नतीजा मिला इसका? आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेके देश से भाग रहे हैं। भूतपूर्व केंद्रीय सरकारियों का गलत से पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ, अब आपके कालखंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है। लाखों करोड़ विथड्रा करके विदेशों में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ, ये तो झूठ था, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। हुआ ही क्या है? कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया में? कुछ आया देश में या कुछ गया? कितने भारी उद्योग चले गए, कितने श्रमिक रोडों पे आ रहे हैं आपके गलत नीतियों के कारण से। तुलना कीजिए